नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटू न्यूज झारखंड और मैं हूं आरती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को यानी आज मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में 27 मिनट का संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि हम 8000 मील की दूरी तय करने के बाद यह बताने आए हैं कि अमेरिकियों को भारत से कितना प्यार है। 5 महीने पहले अमेरिका ने आपके महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया था और आज भारत ने हमारा दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में स्वागत किया है। खूबसूरत और नए मोटेरा स्टेडियम में आकर संबोधित करना मेरे लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि भारत का हमेशा हमारे दिल में विशेष स्थान रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन में इस महान देश की यात्रा में भी रेखांकित करता है। वे उनके लिए पिता के साथ चाय बेचते थे, वे इसी शहर के एक कैफेटेरिया में काम करते थे। दुनिया में सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव में वे जीत कर आए हैं। आप सिर्फ गुजरात के लिए गर्व नहीं बल्कि आप इस बात के प्रतीक है कि प्रधानमंत्री जो चाहे वो कैसे भी पूरा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहानी असाधारण तरीके से तरक्की करने वाली है। यही भारत की कहानी भी है। भारत दुनिया भर में इंसानियत के लिए एक उम्मीद है। इस दुनिया का सबसे बड़ा नायाब देश है भारत। भारत अमेरिका दो अलग अलग देश है लेकिन आत्मा एक जैसी है, ये कहा ट्रंप ने। मोदी से हर कोई प्यार करता है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वे बहुत ही टफ है। जो देश अपने लोगों से सभी बंधनों से मुक्त रखता है और उन्हें एक सपने को पूरा कर देता है वही देश महान होता है। भारत ऐसे देशों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने लोगों पे भरोसा है, यह अच्छी बात है। हमारे दो देशों के बीच कुछ फर्क नहीं है लेकिन हमारी आत्मा एक जैसी है। स्वामी विवेकानंद ने इसका एक बार जिक्र किया था। इस आत्मबल के साथ भारत के लोग हिम्मत बनाए रखते हैं और पूरी दुनिया में एक नई रोशनी दिखाते हैं। यहाँ की बॉलीवुड क्रिएटिविटी के उदाहरण है भांगड़ा, रोमांस ड्रामा और क्लासिकल का उदाहरण शोले और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म में। सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली तक भारत के महान खिलाड़ियों का देश है। सरदार पटेल को इस देश ने उच्च स्टेचू बनाकर श्रद्धांजलि दी है। दिवाली को इस देश में लोग बुराई पे अच्छाई के जीत के पर्व के रूप में मनाते हैं। रंगों का खूबसूरत त्यौहार है होली। भारत का हर एक व्यक्ति गरिमा का सम्मान करने वाला देश है। यहाँ करोड़ों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन के मोदी का धन्यवाद भाषण। मोदी ने कहा कि आपने अभी जो भारत के बारे में कहा, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और सरदार पटेल को भी याद किया, मेरे बारे में भी बहुत कुछ कहा। मैं भारतीयों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ट्रंप ने न सिर्फ भारत का गौरव बढ़ाया है बल्कि अमेरिका में रहने वाले भारतीयों का भी सम्मान बढ़ाया है। यह स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। यहाँ कुछ सुविधाएं निर्माण के दौर में है फिर भी आपका यहाँ आना खेल की जगह से जुड़े हर एक व्यक्ति को प्रोत्साहित किया। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने भी यह जगह उपलब्ध कराई थी। दो व्यक्ति हो या दो देशों के संबंध, उससे सबसे बड़ा आधार होता है विश्वास। दोस्ती वही होती है जहाँ विश्वास होता है। पीएम मोदी ने कहा कि नमस्ते ट्रंप के नाम से अर्थ में नमस्ते का बहुत गहरा है। यह दुनिया का सबसे पुरानी भाषाओं में से एक शब्द है, संस्कृत। इसका अर्थ होता है कि हमने केवल उस व्यक्ति को बल्कि उसके अंदर की दिव्यता को भी सम्मान देते हैं। पीएम मोदी ने आगे संबोधन में ट्रंप का स्वागत करते हुए कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है, गुजरात है, लेकिन पूरे देश आपके स्वागत के लिए उत्साही है और मुझे लगता है कि आज हम इतिहास को दोहरा रहे हैं। 5 महीने पहले मैंने अपनी अमेरिकी यात्रा में हाउडी मोदी से शुरू की थी और आज मेरे मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप के साथ अपनी भारतीय यात्रा शुरू कर रहे हैं। देश दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हैं पीटू न्यूज झारखंड और साथ ही लेटेस्ट न्यूज के लिए ई पेपर पीटू न्यूज का ई पेपर भी फॉलो करें। साथ ही फॉलो करें यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी। धन्यवाद।